वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर डिस्क्राइब्ड अबाउट सिल्ट एक्सक्लूडेंस डिवाइसेस एंड सिल्ट इजेक्टर्स एंड आफ्टर दैट वी विल कवर हेड रेगुलेटर। ओके, तो इससे पहले दो लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में देखा था और डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर में उसका लेआउट कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइसेस, सिल्ट इजेक्टर्स एंड हेड रेगुलेटर। ओके, सो चलिए एक ही करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस क्या होता है। सिल्ट आप लोग जैसे कि समझते हैं, जो भी रिवर वाटर होता है या जो कैनाल्स वाटर होता है, जो भी रिवर वाटर होता है उसके अंदर में सिल्ट होता है। सिल्ट मतलब होता है कि जो पानी के साथ में जो भी अनवांटेड जो मटेरियल साथ में आते हैं उसको हम लोग सिल्ट कहते हैं, है ना। तो सिल्ट को कैसे हम लोग हटा पाते हैं, उसके लिए हम जो डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिस यंत्र का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस। ओके, तो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिवाइसेज विच आर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, है ना। मेन कैनाल के हेड पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, विच प्रिवेंट मतलब उसको रोकना, एंट्री ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इनटू कैनाल आर कॉल्ड एज सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइसेज। ओके, मतलब वैसा डिवाइस जो कि मेन कैनाल के हेड पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि सिल्ट के एंट्री को प्रिवेंट करता है, ठीक है, कैनाल्स में जो सिल्ट जा रहा है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है, उसको हम लोग सिल्ट एक्सक्लूजन डिवाइस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिल्ट इजेक्टर्स। ओके, अब देखते हैं सिल्ट इजेक्टर क्या होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल टू इजेक्ट सिल्ट एक्यूमुलेटेड इन कैनाल सेक्शन इज कॉल्ड सिल्ट इजेक्टर। इस टर्म को समझिए क्या कह रहा है, जो कि हमारा कैनाल होता है, कैनाल के पास में जो सिल्ट जमा हो जाता है, ठीक है ना, सिल्ट जो जमा हो जाता है उसको जो हटाने के लिए हम जो वहाँ पे ये लगाते हैं, इक्विपमेंट लगाते हैं, उसको हम लगाते हैं सिल्ट इजेक्टर, ठीक है। सिल्ट इजेक्टर कंसिस्ट ऑफ टनल विच इज़ कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द फ्लो ऑफ कैनाल एंड देन टर्न 90 डिग्री टू इजेक्ट सिल्ट। क्या बोला जा रहा है, सिल्ट इजेक्टर जो होता है उसके अंदर में क्या होता है, टनल्स होता है, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द फ्लो ऑफ कैनाल, जो कि जहाँ जिस डायरेक्शन में कैनाल फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में होता है, और उसके बाद 90 डिग्री से क्या होता है, इजेक्ट करता है सिल्ट को, मतलब जो सिल्ट उसके पास जमा हो गया उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टनल प्रोवाइडेड मे बी डिफरेंट, जो लेंथ जो होता है टनल का वो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो। दीज आर प्रोवाइडेड विथ सफिशियंट स्लोप, तो ये कुछ स्लोप के साथ प्रोवाइडेड होता है ताकि जो पानी के साथ सिल्ट आ रहा है वो जमा हो गया है, अब उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लोप सफिशियंट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट सिल्ट शुड नॉट बी डिपोजिटेड इन इट्स बेड, मान लो कि जो हमारा बेड है और बेड के कॉम्पिटिशन में अगर हमारा जो स्लोप है वो सफिशियंट नहीं है तो सिल्ट तो वहीं जमा हो जाएगा, तो सिल्ट को हटाने के लिए थोड़ा स्लोप को क्या करते हैं, सफिशियंट रखते हैं, है ना। जैसे फिगर अभी आपको दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये फिगर दिख रहा है ना आपको, तो ये फिगर दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है। देखिए यही है मेन कैनाल, है ना, मेन कैनाल है, मेन कैनाल से यहाँ पे वाटर आया। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर आया उस मान लो सिल्ट है ना, क्या है, सिल्टेड वाटर है, वाटर के साथ में सिल्ट है। जनरली जो भी रिवर से पानी आता है उसके अंदर में कुछ ना कुछ सिल्ट अमाउंट में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जैसे ही आपका आ रहा है इस जगह पे पानी, तो यहाँ पे बहुत सारे टनल्स बने हुए रहते हैं। टनल्स मतलब होता है कि स्पेस बना हुआ होता है बहुत सारा, तो ये जो पानी इसमें मान लीजिए आया, ऐसे ऐसे आया, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये सिल्ट यहाँ पे जमा हो जाता है, है ना, और यहाँ से जा करके 90 डिग्री से बाहर की ओर में यहाँ पे इजेक्ट हो जाता है ना। मतलब वो सिल्ट जो उसके साथ आ रहा है वो बाहर की ओर में निकल जाता है, और क्लियर वाटर क्या होता है यहाँ पे, सीधे आगे की ओर में क्लियर वाटर, आगे की ओर में जिधर आपको डाइवर्ट करना है इस कैनाल में, वहाँ आगे की ओर में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिल्ट जो एक्सक्लूजन डिवाइस है, यानी सिल्ट को जो इजेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी सिल्ट को हटाने का जो काम कर रहा है, उस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर, सॉरी सिल्ट इजेक्टर, है ना। तो सिल्ट इजेक्टर का मेन जो फंक्शन है किस तरीके से काम करता है ना। देखिए यहाँ से पानी आया, पानी आने के बाद में
पानी आने के बाद में यहाँ पे आया, सिल्ट यहाँ पे जमा हो गया। सिल्ट जमा हो जाने के बाद में सिल्टेड वाटर था, सिल्ट यहाँ पे आया, आने के बाद में यहाँ पे अंदर में आया, अंदर में आकर के सिल्ट ट्रैप हो गया, है ना। और ट्रैप होते होते अंदर की जहाँ से टनल बना हुआ है इसके थ्रू होते होते बाहर जा करके सिल्ट एक्सक्लूड हो गया, बाहर निकल गया। और उसके बाद में जो जो क्लियर वाटर है वो आगे की ओर बढ़ गया, और जो है आगे ये जो क्लियर वाटर है आगे की ओर बढ़ करके और वहाँ पे जो जहाँ भी हमको डाइवर्ट करना है वो पानी वहाँ चला जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग अप्रोच चैनल, सिल्ट सेटलिंग रिज, ओके। ये कहलाता है ट्रांजिशन ऑफ वाइडर अप्रोच चैनल, ठीक है। तो ये सारा है, सिल्ट एक्सक्लूडर नहीं है, सिल्ट इजेक्टर है ये। सिल्ट एक्सक्लूडर एक अनदर टर्म होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये है सिल्ट इजेक्टर, ओके। तो वही टर्म लिखा हुआ था पहले, उसी चीज़ को मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। सिंपली है, सिल्ट को हटाने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसको हम सिल्ट इजेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हेड रेगुलेटर, देखिए हेड रेगुलेटर का पहले फिगर देख लीजिए आप लोग तो क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हेड रेगुलेटर का है, ठीक है। अब हेड रेगुलेटर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। हेड रेगुलेटर का जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है ना, वाटर के हाइट को राइज करना, मतलब वाटर के हेड को हाई अप करना या उसको मेंटेन करना, ताकि जो वहाँ से कैनाल निकल रहा है उसमें जितना वाटर हमको चाहिए उतना वाटर हम डाइवर्ट कर सके, ठीक है। उसको कहा जाता है कैनाल हेड रेगुलेटर। तो जनरली क्या होता है, मान लो कि ये रिवर है, रिवर है, अब यहाँ से आपको यहाँ पे आपका क्रॉस रेगुलेटर के अंदर में यहाँ पे आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क कर रखा है, उसके बाद में यहाँ से आपने कैनाल को निकाला है, दो कैनाल यहाँ से निकला है C1 और C2, है ना। C1 C2 निकला है, तो मान लो कि आपके रिवर में पानी का कुछ और डेप्थ है, और आपको मान लो कि कैनाल के अंदर में यहाँ पे पानी कुछ और अमाउंट में चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हेड रेगुलेटर बनाना पड़ेगा, ताकि जो पानी जितना आपको चाहिए, जितना हाइट पे चाहिए पानी, यानी जितना क्यू में पानी, जितना डिस्चार्ज चाहिए आपको इस कैनाल में, उतना कैनाल में पानी आपको अवेलेबल हो पाए, उसके लिए हम काम करते हैं हेड रेगुलेटर का, है ना। तो यही हेड रेगुलेटर है। तो देखिए एक बार मैं आपको इसके बारे में पढ़ करके बता देता हूँ। इट इज़ ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट हेड ऑफ कैनाल टू रेगुलेट इट्स सप्लाई इज कॉल्ड एज हेड रेगुलेटर। ये कंस्ट्रक्शन है जो कि हेड ऑफ कैनाल पे किया जाता है टू रेगुलेट इट्स सप्लाई, मतलब इसके सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इज कॉल्ड एज हेड रेगुलेटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड रेगुलेटर कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला फंक्शन है इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है इट नॉट ओनली कंट्रोल द फ्लो बट ऑल्सो कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पानी को ही क्या करता है, यानी सप्लाई को ही कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ में ये भी काम करता है कि वो सिल्ट को क्या करता है, एंट्री को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड वाटर टू इंटर इन द कैनाल। इसका काम ये भी होता है कि जो भी फ्लड वाटर है वो कैनाल में एंट्री करने से उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। द हेड रेगुलेटर आर जनरली कंस्ट्रक्टेड विथ मैसोनरी। जो हेड रेगुलेटर होता है जनरली मैसोनरी से बना हुआ होता है, एंड हैविंग नंबर ऑफ गेट्स, और उसमें बहुत सारे गेट्स होते हैं, विथ लिफ्टिंग अरेंजमेंट, जिसमें लिफ्टिंग अरेंजमेंट होते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंट्री ऑफ सिल्ट इन टू कैनाल। इट्स सिल्ट इज रेज एंड इज फिक्सड एट 2 to 2.5 meters अबव द फ्लोर लेवल, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हेड रेगुलेटर जो बना होता है वो मैसनरी से बना हुआ होता है, इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, मतलब जो गेट बने हुए होते हैं, जिसके अंदर में लिफ्टिंग अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है, जो कि सिल्ट एंट्री को क्या करता है कैनाल में अरेंज करता है, है ना। तो ये इसका फंक्शन हो गया, किसका, कैनाल हेड रेगुलेटर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रोड है, रोड फॉर द लिफ्टिंग्स, है ना। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, ये गेट है, ये अप स्ट्रीम है, ये क्या है डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट है, और ये इंस्पेक्शन रोड्स है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये फुल सप्लाई लेवल है, ये डाउनस्ट्रीम पार्ट है, ठीक है, ये लूज स्टोन है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो लिफ्टिंग गेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है लिफ्टिंग गेट। इस लिफ्टिंग गेट का काम क्या होता है कि जो भी पानी जितना हाइट तक आपने यहाँ पे स्टोर किया है उस पानी को क्या करना है, हेड करना है तो हेड कीजिए, नहीं तो डाउन करना है तो डाउन कीजिए, मतलब जितना पानी आपको चाहिए इस लिफ्टिंग अरेंजमेंट के थ्रू, लिफ्टिंग गेट के थ्रू, मतलब ये जो गेट है गेट को ऊपर और नीचे उठा करके
ऊपर उठा करके या नीचे उठा करके इस पानी को हम लोग कंट्रोल करते हैं और हम अपने पैरेंट चैनल में जिधर जिस चैनल में हमको भेजना है उस चैनल में हम उस पानी को क्या करते हैं सेंड करते हैं, मतलब अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में सेंड करते हैं। तो उसके लिए गेट बना होता है, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा नहर वगैरह में जहाँ पे नहर होता है तो बहुत सारे जो चौक चौराहा होता है वहाँ पे जहाँ से बहुत सारे मतलब मेन नहर से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलते हैं तो वहाँ पे एक देखना मतलब लोहा का एक गेट बना हुआ होता है, साथ में एक लिफ्टिंग अरेंजमेंट होता है जिसको देखना जो नहर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उसको कभी कभी जब पानी बहुत कम होता है या ज़्यादा हो जाता है तो उस पानी को कंट्रोल करने के लिए कभी जो गेट है उसको ऊपर उठाते हैं या पानी जब ज़रूरत होता है तो गेट को ऊपर उठा देते हैं, जब पानी कम जरूरत होता है तो गेट को क्या करते हैं नीचे की ओर मतलब रिड्यूस कर देते हैं, मतलब डिस्चार्ज को वहाँ स्लो कर देते हैं। इन टेक्निकल टर्म उस गेट का यही मतलब होता है कि डिस्चार्ज को क्या करना कंट्रोल करना, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर में होता है। तो स्टूडेंट यही चीज़ था, तो तीन टर्म इसमें था इंपॉर्टेंट टर्म, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर में, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर में, क्योंकि डाइवर्जन हेडवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट पार्ट्स थे तो उन सारे कंपोनेंट पार्ट्स का अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। जैसे ये सब पार्ट किसका है, डाइवर्जन हेडवर्क का था, हेड रेगुलेटर होता है, अंडर स्लाइसेस होता है, फिश लैडर होता है, डिवाइड वाल होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं अभी एक एक करके स्टडी कर रहे हैं ताकि सारे के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ लें, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा सिल्ट को कैसे एक्सक्लूड करते हैं, सॉरी सिल्ट इजेक्टर का क्या फंक्शन होता है और हेड रेगुलेटर का क्या क्या होता है फंक्शन होता है, तो इतना चीज़ हम लोग अभी देख चुके हैं। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, गाइड बैंक क्या होता है, इसके अलावा मार्जिनल इम्बैकमेंट क्या होता है, ठीक है। इतना चीज़ देख करके हम लोग जो क्या डाइवर्जन हेडवर्क का पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर से आगे हम याद उसके बाद स्टार्ट करेंगे और भी जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी डाइवर्जन हेडवर्क के जो इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, कहीं भी डाउट्स हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग मिलेंगे जब हमारा जो सेशन होगा यानी कि जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है गूगल मीट के थ्रू वहाँ पे हम लोग मिलेंगे फिर उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको एक दो बार रिवाइज़ कीजिए, वीडियोज़ को देखिए और उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेकर के आप हर चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप, क्योंकि अब अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसको, एक बार पढ़ लोगे उसके बाद फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो, बट अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे में याद हो जाता है लिखने से, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।